ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ यहाँ रखा गया। दो मिनट। सेवेंटी फोर्थ असाइनमेंट कितने लोगों के पास नहीं है? 74th असाइनमेंट चेक करो कितनों के पास नहीं है, काउंट कर 74 नंबर प्लस 2। हाथ खड़ा करो। वैसे क्यों नहीं है, लास्ट टाइम दी तो थी मैंने, नहीं मिली, काउंट कर 74 नंबर देख। ओके 74th असाइनमेंट यहां से स्टार्ट करेंगे। लेने गया प्रिंट आउट, जिसके पास नहीं भी मिल जाएगी। हमने अभी तक क्या किया, पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर काम किया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम दो केसेस किए हमने। पहला केस, अगर तो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ एम है और लेंथ 2L है, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2L है, कोई डाउट इसमें? और उसी तरीके से अगर करंट कैरिंग वायर है आई, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया। कैपिटल एम और एरिया की डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन निकालने का तरीका चार फिंगर करंट के साथ, तो थंब कहां आएगा? ऊपर। राइट, क्लियर है यहां तक? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन आएगा, और इसमें से 80% ऑफ न्यूमेरिकल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एनसीईआरटी की किताबों में से ही लिए गए हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, और कैपिटल एम का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया। एरिया द वेक्टर, एरिया और एम वेक्टर की डायरेक्शन सेम। नेक्स्ट है टॉर्क का फॉर्मूला। हमने किया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये बी, करंट ने जनरेट नहीं किया, ये एक्सटर्नल है, तो इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा एन बी आई ए साइन अल्फा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर वन है तो बी आई ए करंट इंटू एरिया एम, और हमने क्लास में किया था एम क्रॉस बी, तो ये टॉर्क वेक्टर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बुक्स एम वेक्टर की जगह क्या लिखते हैं, म्यू वेक्टर, तो इस असाइनमेंट में एम वेक्टर हो या म्यू वेक्टर हो बात एक है, कोई डाउट इसमें? तो एम वेक्टर, टॉर्क वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर एम वेक्टर का मतलब करंट इनटू एरिया या म्यू वेक्टर का मतलब करंट इनटू एरिया, कोई डाउट इसमें? इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं। इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है। बी किसके अलोंग गिवन है? 0.3 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ऊपर है, तो बी वेक्टर के पीछे कैप क्या लगेगा? के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन का मतलब के कैप है, कोई डाउट इसमें? बी वेक्टर क्लियर है आपको? इसमें एरिया पता है 10 into 5, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट आपको पता है, फाइंड टॉर्क इन वेरियस सिचुएशन, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको टॉर्क निकालना है। देखो अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है, उससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, डायग्राम चाहिए ही नहीं हमें। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है करंट 12 एम्पियर है और एरिया कितना है 10 into 5 को मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप की प्रॉब्लम स्केलर में आती नहीं कभी भी, इस टाइप की प्रॉब्लम हमेशा वेक्टर में ही आती है। तो आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें टॉर्क वेक्टर निकालना है। टॉर्क वेक्टर क्या होता है? एम क्रॉस बी या म्यू क्रॉस बी। बी वेक्टर हमें पता है 0.3 के कैप है, म्यू वेक्टर या कैपिटल एम वेक्टर, उसका तरीका क्या निकाला था? करंट इंटू एरिया। तो करंट इंटू एरिया में ये मेरे पास करंट 12 एम्पियर है और एरिया मुझे पता है कितना है, ये रहा एरिया। करंट इंटू एरिया के पीछे कैप क्या लगेगा? तो चार फिंगर करंट के साथ घुमानी है, चार फिंगर करंट के साथ, तो बी वेक्टर कहां होगा? आउटसाइड, क्योंकि जो रूल बी वेक्टर निकालने का था वही रूल एम वेक्टर निकालने का है, वही रूल एरिया वेक्टर का, क्योंकि एम वेक्टर और एरिया वेक्टर आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन।
तो एम वेक्टर या म्यू वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलती है? करंट के साथ घुमाएंगे फिंगर्स तो बी बाहर आएगा, यही रूल है। उसी तरीके से एरिया वेक्टर भी कहां आएगा? बाहर आएगा। तो अगर फिंगर्स करंट के साथ जाएंगे, एरिया वेक्टर बाहर, बाहर कौन सा कैप चल रहा है? एक्स, एक्स का मतलब आई कैप। तो एरिया वेक्टर के पीछे क्या लगेगा इसमें? आई कैप। तो करंट 12 एम्पियर है, एरिया वेक्टर के पीछे आई कैप, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? म्यू वेक्टर। म्यू वेक्टर को यहां पुट करेंगे, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्या रूल अप्लाई करने हैं, ये समझ में आ रहे हैं? और एरिया वेक्टर समझ में आता है कि एरिया वेक्टर निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन के साथ चार फिंगर्स, तो बी वेक्टर क्या देगा आपको? एरिया वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? जैसे क्वेश्चन चेंज कर दिया, लूप की ओरिएंटेशन चेंज कर दी, लूप की ओरिएंटेशन वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल कर दी बस, और कोई फर्क नहीं। तो एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि फॉर्मूला तो सेम लगेगा। म्यू वेक्टर में क्या कोई चेंज आएगा? म्यू वेक्टर पीछे करंट इनटू एरिया निकाला, उसमें तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो करंट चेंज हुआ ना एरिया चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। डायरेक्शन देखें, चार फिंगर करंट के साथ, तो कौन सा कैप लगेगा? आई कैप। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, आई कैप है इसमें भी। बी वेक्टर में कोई चेंज नहीं, अभी भी रेड के अलोंग है सेम, तो म्यू क्रॉस बी। आंसर, पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो म्यू क्रॉस बी कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट है, लूप की ओरिएंटेशन चेंज कर दे, लूप की ओरिएंटेशन चेंज कर दे। लूप की ओरिएंटेशन कैसे कर दी देखो जरा। सपोज ये लूप है, मतलब अगर मैं यहां से खड़ा होकर देखूं तो ये जेड एक्सिस है, मेरी तरफ वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है ऐसे। ठीक, लूप मुझे ऐसा दिखेगा इस प्लेन में सामने, और करंट मुझे ऐसे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब चार फिंगर ऐसे जाएंगे तो एम वेक्टर कहां एक्ट करेगा? इस तरफ, क्लॉकवाइज है तो इस तरफ। तो एम वेक्टर या म्यू वेक्टर का कैप क्या लगेगा? माइनस जे। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा करंट इनटू एरिया, पर पीछे कैप क्या लगेगा? माइनस जे। ये पॉइंट समझ में आया, माइनस जे क्यों? ये देखो, ये लूप है, इसमें करंट कैसे दिख रहा है मुझे? क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे दिख रहा है आपको, इमेजिन करना है। आप यहां से देख रहे हो लूप को, तो अगर आप यहां से इमेजिन कर रहे हो लूप, आपको ऐसे दिख रहा है, तो आप प्लीज अपने फिंगर्स को करंट के साथ घुमाओ ऐसे इस डायरेक्शन में, तो बी कैसे आएगा? इस तरफ आएगा। इस तरफ का मतलब माइनस जे कैप। तो म्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसमें भी 0.06 है, लेकिन पीछे माइनस जे कैप, और बी वेक्टर तो चेंज ही नहीं हुआ, के कैप है, फिर से म्यू क्रॉस बी। कोई डाउट इसमें? एरिया वेक्टर निकालना आ रहा है सबको, कुछ नहीं करना, आपने चार फिंगर को करंट के साथ घुमा लेना है, थंब विल रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, बस यही रूल है। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, शुम क्लियर है? ठीक, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे लिखा गया गलती से, मतलब पेज उल्टे से ज्वाइन हो गए, तो इसके ऊपर 2 मिनट बाद आते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखो इसमें ना स्क्वायर है, ये सारे फिगर स्क्वायर है, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, करंट 5 एम्पियर है। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। फॉर्मूला बोलो, करंट इनटू एरिया। अगर मेरे को वेक्टर में ना आंसर देना हो ना, तो मेरी तरफ से डायग्राम ही ना दे मुझे, ये चाहिए ही नहीं, बस मुझे करंट दे दे, मुझे एरिया दे दे। एरिया एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर करंट मुझे पता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? क्या निकालने को कहेगा? इन वेक्टर। आगे ठीक, तो अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे? इसके अंदर मुझे म्यू वेक्टर निकालना है या एम वेक्टर निकालना है, दैट इज करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। तो देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट इनटू एरिया हो जाएगा। डायरेक्शन बोलो, चार फिंगर करंट के साथ, तो बी कैसे होगा, सॉरी एम कैसे होगा? बोर्ड के इनसाइड। तो डायरेक्शन कहां आएगी? बोर्ड के इनसाइड। कोई डाउट इसमें? चार फिंगर को घुमाएंगे, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ म्यू वेक्टर, डन। एक और शीट पीछे,
74 नंबर शीट है। ये ले लो, पीछे आ गई, पीछे। देखो जब इसमें आंसर देना है, मिल गई 74, चेक कर लो प्लीज। ठीक, देखो जब इसमें आंसर देना है, ध्यान आगे, तो ये टॉप व्यू है, मुझे इस पे टॉप व्यू पे करंट कैसे दिख रहा है, मुझे करंट ऐसे जाता दिख रहा है क्लॉकवाइज, ये देखो टॉप व्यू में ऐसे ऐसे। तो बी एम वेक्टर कैसे होगा या म्यू वेक्टर कैसे होगा, बोर्ड के नीचे नीचे डाउनवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड तो वही है, करंट इंटू एरिया। मैग्नीट्यूड में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, करंट इंटू एरिया आंसर है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन में। तो करंट के साथ चार फिंगर, डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसमें इसमें इनवर्ड्स, इसमें डाउनवर्ड्स, इसमें आ जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए इमेजिन करो कि आपको ये ऐसे फिगर गिवन है, ये रे ऐसे है, एल शेप फिगर है, और इधर इमेजिन करो ये करंट कैसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस साइड पे ऊपर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर मेरी तरफ आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, राइट। तो इधर देखना प्लीज, पहले ये स्क्वायर है, करंट इसमें ऐसे आ रहा है, तो मैं चार फिंगर को करंट के साथ घुमाऊं तो थंब कहां आ रहा है, इस तरफ। तो करंट इनटू एरिया तो निकाल ही लोगे इसमें, तो डायरेक्शन बोलो, आई कैप लगा दूं इसमें, इसका मतलब आई कैप है, एक्स एक्सिस है, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पीछे आई कैप लगा दूं, फिर इधर की बात करें, इसमें करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जब मैं करंट को अपनी चार फिंगर को करंट के साथ घुमाऊंगा ऐसे, क्योंकि इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो कैसे आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस, जे कैप लगा दूं, तो एक कैपिटल एम वेक्टर के पीछे लगेगा आई कैप, एक कैपिटल एम के पीछे लगेगा माइनस जे कैप, तो दो वेक्टर को ऐड करना है, आंसर आई कैप माइनस जे कैप में लिखना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, करंट इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव में देखनी पड़ेंगे जो भी होंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, और ये एक बार मेंस में, एक बार नीट में, और कई बार नीट में तो आ ही चुका है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसमें ये बताना है, इन फिगर्स को देखते हुए, कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसमें मैक्सिमम है, किसमें मिनिमम है, और किसमें जीरो है। तो मुझे पहले यह बताओ, इन फिगर्स में एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप एरिया वेक्टर, बिल्कुल सही, एन कैप एरिया वेक्टर है, या एम वेक्टर है, एक ही बात है, क्योंकि एम वेक्टर या म्यू वेक्टर या एरिया वेक्टर डायरेक्शन सेम है, कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर ये एरिया वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, या ये एम वेक्टर है और ये बी वेक्टर, लिख लो एन कैप पे साइड पे, दिस रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर और एम वेक्टर, एरिया वेक्टर और एम वेक्टर लिख लो असाइनमेंट में। ठीक, देखो लिखना है, एन कैप का मतलब है एरिया वेक्टर या एम वेक्टर, एरिया वेक्टर या एम वेक्टर, लिख लिया। तो मुझे यह बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें मैक्सिमम है, किसमें जीरो, और किसमें मिनिमम है। तो सबसे पहली चीज काम करते हैं, इसमें एरिया वेक्टर या एम वेक्टर, एम वेक्टर कहां पर है, ये रहा, बी वेक्टर कहां पर है, ये रहा, बोलो एंगल इनके बीच में कितने हैं, 180, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था माइनस एम बी कॉस थीटा, अगर आपको याद हो। तो पहले केस में एंगल क्या लेंगे, 180 का मतलब कॉस 180 मैथ्स में माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा एम बी, यानी कि पॉजिटिव। जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायपोल की या किसी भी बॉडी की नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब मिनिमम, तो उस केस में वो स्टेबल होता है, और प्लस का मतलब है पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव का मतलब इसमें क्या आएगी, मैक्सिमम, नेगेटिव में मिनिमम मानी जाती है और प्लस में मैक्सिमम। तो हम बाद में डिसाइड करेंगे मिनिमम मैक्सिमम, पहले काम करते हैं, पहली ओरिएंटेशन में वैल्यू निकाल ली,
मैक्सिमम है या मिनिमम बाद में देखते हैं, एम बी आंसर आ गया। दूसरी ओरिएंटेशन में बोलो बी वेक्टर और एम वेक्टर में एंगल बोलो कितना है, 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तीसरी ओरिएंटेशन में बी वेक्टर यहां की बजाय यहां बना लो और एन कैप यानी कि एम वेक्टर ये बना लो, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर इज ग्रेटर देन 90। और अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है तो कॉस ऑफ ग्रेटर देन, कोई भी एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉस थीटा माइनस माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। और लास्ट है आपका जो एम वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, जो एम वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ये रहा एम और बी में एंगल लेस देन 90, और कॉस ऑफ एंगल अगर लेस देन 90 है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो ये एनर्जी क्या मानी जाएगी, मिनिमम, और ये क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि एमबी से ऊपर तो आ भी नहीं सकती। तो आपको ये बताना है कि किसमें एनर्जी मिनिमम है और किसमें एनर्जी मैक्सिमम है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम पोटेंशियल एनर्जी में आती है जो आपको आनी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी में मैं चेक कर रहा था आपके एनसीईआरटी बोर्ड में, दो बार क्वेश्चन आया पिछले दो सालों में पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही आया है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ मैग्नेट जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे वैसे ही आया। तो जब हम 10 ईयर्स करेंगे या 5 ईयर्स करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब एक काम करते हैं, आप अपने असाइनमेंट में ये फिगर ओपन कर लो इस क्वेश्चन की और न्यूमेरिकल यहां से पढ़ सकते हो। एक बार प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ना, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, डायग्राम आपने बनाया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे इमेजिन करो ये क्वेश्चन कैसे है। देखो आगे देखो प्लीज, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या बात है, कितने लोगों को सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, कमाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बुकलेट दो जरा, कोई एक बुकलेट देना। देखो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे समझेंगे, अच्छा चलो फिर ऐसे सही, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसके सॉल्यूशन में एक स्टेप गलत है, जिनको समझ में आ गया बताओ। Yeah.
बोलो क्या करेक्शन करें? तो एंगल में क्या लिखूं? 37 की जगह बोलो 90-37 पहला ऑप्शन। बोलो कितने लोग बोलते हैं 90-37? ओके और कोई क्वेश्चन? और कोई ऑप्शन? 90+37 दूसरा ऑप्शन, दो तीसरा ऑप्शन, कोई और? कि ये ठीक किया मैंने वैसे डराने के लिए बोल दिया, तीसरा ऑप्शन कि ऐसे बोल दिया चेक करने के लिए बंदा कॉन्शियस हो जाए, तीसरा ऑप्शन कि ये ठीक था ठीक था वो कहते हैं, चौथा समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, कोई और ऑप्शन? देखो देखो यार देखो, ये देखो ये एक कॉइल है, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? जे कैप, जे कैप का मतलब टुवर्ड्स राइट, ठीक इसको ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड राइट है, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, बोर्ड के बाहर है, कोई डाउट इसमें? तो इमेजिन करो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, मान लो ये कॉइल, इस कॉइल को मैंने आपके एक्स एक्सिस की तरफ रख दिया, ठीक बी वेक्टर कहां पर है? ये रहा, कोई डाउट इसमें? अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी ऐसे सुनो, और इसमें करंट कैसे है? करंट बोर्ड के अंदर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, इसमें करंट कैसे आ रहा है? जैसे ये करंट ऊपर वाली वायर में इधर जा रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आने का मतलब कैपिटल एम कैसे है? मेरी तरफ है, ठीक करंट ऐसे जा रहा है ना, ये देखो पिछली वायर में नीचे जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, ऐसे मेरी तरफ है, तो कैपिटल एम कहां है? मेरी तरफ है। बी कहां पर है? उस तरफ है, कोई डाउट इसमें? तो मैं काम करता हूं, बी कहां पर है? इस तरफ है, कैपिटल एम कहां पर है? इस तरफ है, कोई डाउट इसमें? एंगल बोलो बी और एम में कितना है? 180 है, कोई डाउट इसमें? उसने क्वेश्चन में कहा इस कॉइल को घुमा दो बाय एन एंगल ऑफ 37, लो मैंने कॉइल घुमा देनी है, अभी ये कॉइल घूम रही है, ये रही, तो ये परपेंडिकुलर भी घूमेगा क्योंकि कैपिटल एम तो पहले ऐसे था अब ऐसे, तो कैपिटल एम ऐसे हो गया, तो दो मिनट के लिए ध्यान से देखो, बी को तो चेंज नहीं किया मैंने, तो कैपिटल एम अगर पहले ऐसे था, उसने कहा कॉइल को घुमा दो बाय 37, तो कॉइल को घुमाया तो ये पेन 37 डिग्री आपकी तरफ मुड़ गया, तो अब बोलो बी और एम में एंगल कितना है? 180-37, कोई डाउट इसमें? हाँ करेक्शन तो थी, तो इसलिए यहां पर टॉर्क आएगा मैग्नीट्यूड में एन बी आई ए साइन 37 की जगह 180-37, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैथ्स में साइन ऑफ 180-37 इज अगेन साइन 37, लेकिन बोलना बनता है साइन ऑफ 180-37, क्योंकि कल को अगर कोई एंगल ऐसी कोई ऑप्शन पूछ ले आपको देखना आना चाहिए, कोई डाउट इसमें? ठीक टॉर्क आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, इस तरफ घुमा दी ना मैंने, इधर को घुमा दी, हाँ तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर उसमें उल्टा हो जाएगा, तो वो तो बात वहीं पे आ जाएगी ना, साइन है ना, कोई वो नहीं चल रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, 180 में ऐड करोगे माइनस में आएगा बस, और कुछ नहीं है, क्लियर है यहां तक? अच्छा अब डायरेक्शन देख लें टॉर्क की, डायरेक्शन के लिए अब क्या करेंगे? इधर 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 फिगर देखे तो कुछ समझ में नहीं आएगा डायरेक्शन, टॉर्क का फॉर्मूला इधर शुभम, टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी राइट हैंड, एम क्रॉस बी थंब का है ऊपर, ऊपर का मतलब कौन सा कैप है? पॉजिटिव जेड यानी कि के कैप है, तो टॉर्क की डायरेक्शन लॉन्ग के कैप है, कोई डाउट इसमें? तो बढ़िया ओरिएंटेशन बनाई इसने, थोड़ी सी बस क्वेश्चन देखने में वो है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप का एरिया तो सबको पता है एल स्क्वायर होता है, करंट इसमें कितना जा रहा है? आई जा रहा है, और आपको क्या निकालना है? टॉर्क वेक्टर, म्यू वेक्टर निकालना है, म्यू का मतलब क्या होता है? करंट इनटू एरिया,
अगर ये वेक्टर ना पूछे ना, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते, क्योंकि करंट आया है एरिया एल स्क्वायर है आई इंटू एल स्क्वायर, पर उसने स्केलर में पूछना ही नहीं, उसने किस में पूछना है, वेक्टर में पूछना है। तो वेक्टर में अब आंसर कैसे देना है, वेक्टर की फॉर्म में एम वेक्टर इज आई इंटू ए वेक्टर, पहला स्टेप क्लियर है। एरिया इज अ वेक्टर, अब ये इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर लिखते कैसे हैं, देखो एरिया वेक्टर में आपने कुछ नहीं करना, आपने करंट की डायरेक्शन में जाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, तो सबको पता है। वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तभी ए वेक्टर आएगा। डॉट नहीं यूज कर सकते, क्रॉस करेंगे। कौन सी दो साइड्स को करेंगे वेक्टर मान के, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट यहां आ रहा है, करंट यहां आ रहा है, तो एक साइड क्या लेंगे ए बी, दूसरी साइड क्या लेंगे बीसी। अगर करंट उल्टा जा रहा होता फिर बीसी क्रॉस बीए, इसमें नीचे आ रहा है तो ए बी क्रॉस बीसी, ए बी क्रॉस बीसी। ये स्टेप क्लियर है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वेक्टर फॉर्म में करंट की डायरेक्शन में जाना है। प्लीज बीसी, बीसी की लेंथ क्या है एल, बीसी की डायरेक्शन का है नीचे, नीचे का मतलब कौन सा कैप है, ऑपोजिट टू वाई एक्सिस, तो पीछे कौन सा कैप है, माइनस जे कैप, तो एल के पीछे ये कहां पे, एल के पीछे माइनस जे कैप, कोई डाउट इसमें, तो लेंथ कितनी है इसमें एल है, एल के पीछे क्या लगेगा माइनस जे कैप, कोई डाउट इसमें, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइड है ना, ये साइड बाहर आ रही है एक्स जेड प्लेन में, बोर्ड के बाहर आ रही है। अब मैं कोई कैप डिसाइड नहीं कर पा रहा, ना एक्स ना जेड ना वाई, क्योंकि ये दो प्लेस में मूव कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको वेक्टर मानते हुए एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इसके दो कंपोनेंट्स लेते हैं। पहला कंपोनेंट एल, ये एल है तो एल कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर बोर्ड के बाहर, क्योंकि ये वायर बोर्ड के बाहर आ रही है कुछ ऐसे टेढ़ी, तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा, एक कंपोनेंट यहां बनेगा, तो एक एक्स एक्सिस में, दूसरा बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर कौन सा गैप है जेड, तो यानी कि एल साइन थीटा के कैप, तो इसके पीछे आई कैप, इसके पीछे के कैप, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एल कॉस 30 आई कैप, एल साइन 30 के कैप, के कैप, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका यहां लेंगे और एक कंपोनेंट इसका यहां लेंगे, दोनों परपेंडिकुलर, तो एक के पीछे लगेगा आई कैप, एक के पीछे के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, आपने आई क्रॉस जे करना है, के क्रॉस जे करना है, आंसर आएगा। मेन चीज है हाउ टू राइट एरिया वेक्टर, ये हमने पहला क्वेश्चन किया है हाउ टू राइट एरिया वेक्टर, नहीं तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एरिया वेक्टर को कैसे लिखना है ये बताया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें, तो करंट कैरिंग वायर के केसेस सबको क्लियर है। करंट कैरिंग वायर पे अगर क्वेश्चन ना आया मैग्नेटिक डायपोल का, तो फिर मैग्नेट्स के ऊपर पक्का आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार 2019 का मेंस का क्वेश्चन भी इन मैग्नेट्स के ऊपर आया है, एक सेट में, हर सेट में डिफरेंट डिफरेंट है वैसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके अंदर ये गिवन है कि आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, एक नॉर्थ से साउथ, इस ओरिएंटेशन में पड़ी है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, इसका भी कैपिटल एम है, कह रहे नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये लो, ये पहला एम वेक्टर है, ठीक, इसका वेक्टर कहां बनेगा, साउथ से नॉर्थ, ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला और ये दूसरा, दो एरोज में, दो वेक्टर्स में एंगल क्या काउंट होगा, ये होगा, ये थोड़ी ना होगा, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, तो अगर ये 60 है तो बोलो ये कितने हैं, 180 माइनस 60 यानी कि 120, कोई डाउट इसमें 120 क्यों, क्योंकि कैपिटल एम साउथ से नॉर्थ, कैपिटल एम साउथ से नॉर्थ, राइट, साउथ से नॉर्थ, यहां एक्सटेंड कर लो, तो एंगल इनके बीच में बनेगा ये वाला 120, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एम स्क्वायर 2mm cos ऑफ 120, cos 120 क्या होता है माइनस हाफ, सॉल्व करेंगे आंसर एम आ जाएगा। तो कैसे करना है मैग्नेट को सॉल्व समझ में आ रहा है, तो मैग्नेट के केस में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। सेम क्वेश्चन आया फिर से रिपीट होके, और इस बार दो मैग्नेट की बजाय इस बार तीन मैग्नेट पे आ गया, तीन मैग्नेट पे, एक मैग्नेट, दो मैग्नेट, तीन मैग्नेट, कैपिटल एम बोलो कहां से कहां होगा, इसमें साउथ से नॉर्थ, ये रहा
इसमें कहां होगा, साउथ से नॉर्थ, ये रहा। इसमें कहां होगा, साउथ से नॉर्थ, ये रहा। तीन वेक्टर क्लियर है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कोई डाउट इसमें? इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले ये वेक्टर इधर जाने दो, ये वेक्टर इधर जाने दो, दोनों, और ये एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना है 60, तो m वेक्टर और m वेक्टर में एंगल कितना है 60, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बोलो, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू कॉस ऑफ 60। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 3m। कोई डाउट इसमें? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रूट 3m आता है। अब ये इन दोनों का सॉल्व करके रूट 3m, और एक अनसॉल्व वेक्टर और पड़ा हुआ है, कौन सा, m। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, ये लिखा मैंने m और ये लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ 3m, दोनों में एंगल क्या होगा 90, राइट, क्योंकि ये ऊपर है बिल्कुल और ये साइड पे है, तो लेफ्ट और ऊपर, तो एंगल इनके बीच में 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर क्या आएगा 2m। पॉइंट समझ में आया? इन मैग्नेट्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बार मैग्नेट वाला, मैं 2 मिनट देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो, किसी को सॉल्यूशन समझ में आ जाए वो पढ़ लो, कोई अपना ट्राई करना चाहे वो भी कर लो, और मुझे आंसर बता दो कि, और हाथ खड़ा करके बता दो कि मुझे समझ में आ गया, बस ये कैसे करना है। इसमें लगाए हुए शॉर्टकट्स, आपको समझ में आते हैं तो लगा लो, नहीं आते मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी, नहीं तो अपना सोच लो। पिछले में बोलो, गिवन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे शुरू कर देना काम। ए और बी चैप्टर बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, ए का और बी का, संडे को तो पक्का ही है दोनों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो प्लीज रेडी रखना। इस हफ्ते अब ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलेगी, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी का हो गया, अब ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि एक भी टेस्ट नहीं हुआ इसका, तो अब इस चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि काफी प्रैक्टिस हो गई और आपको शीट्स भी दे दी मैंने, एक हफ्ता और दे रहा हूँ शीट्स को करने के लिए, आज पोस्ट भी करूंगा उनके सॉल्यूशंस में जो बना रखे हैं, तो जो डाउट है नेक्स्ट टाइम से पूछ लेना, क्लास के बाद आगे पीछे पूछने हैं, पर प्लीज ट्राई करना और इस हफ्ते रेडी करो, और इस हफ्ते के बाद संडे के बाद क्लोज करो इसे, क्योंकि अब ईएमआई पे काम करना चाहिए आपको, एक महीना मोर देन सफिशिएंट था इस पूरे यूनिट के लिए, ठीक। देखो मेरे हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले केस नंबर 1 ये लिख लेना चाहिए, इसमें एक बार मैग्नेट है, ये सही सॉल्यूशन अच्छा ही लिखा हुआ है, शॉर्टकट मार दिया मैंने इसमें, ये प्लीज क्रॉस करके नया लिखना। मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m और लेंथ कितनी है 2l, तो वो कह रहा है कि पहले इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है कैपिटल m, बोलो वैल्यू कितनी है m इंटू 2l। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू 2l पोल स्ट्रेंथ मान ली इसमें, वे लिख लेना स्मॉल एम का मतलब क्या है इसमें, पोल स्ट्रेंथ। कोई डाउट इसमें?
क्लियर है यहां तक? ठीक, केस नंबर टू में वो कह रहा है कि मैंने इस मैग्नेट को ना क्वाड्रेंट बना लिया। अब क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने इसको क्वाड्रेंट बनाया, ये आर और आर का बनाया होगा, है तो ये भी मैग्नेट, तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पोल स्ट्रेंथ इसमें छोटा एम, छोटा एम ही है, पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होती। मैग्नेट को थोड़ा टर्न किया, अब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना एम डैश, पोल स्ट्रेंथ इनटू, देखो वेक्टर, ये वेक्टर होता है, और एम पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L वेक्टर होता है। 2L वेक्टर का मतलब इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे इसकी पोल स्ट्रेंथ निकाल, पोल स्ट्रेंथ के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट लेनी चाहिए जो कि कितनी है, रूट टू आर, रूट टू आर। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री है क्वाड्रेंट, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पाइथागोरस से ही आंसर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट दो पोल्स के बीच में रूट टू आर है। ठीक, तो इसमें एम डैश इज स्मॉल एम इंटू रूट टू आर, ये वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? अब ये भी समझ में आता है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ और इसकी जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो लेंथ है कितनी इसकी, 2L, और अब नई लेंथ कितनी है, 2 पाई आर का 1/4 कर दूं, क्वाड्रेंट है, पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर, क्वाड्रेंट है तो 2 पाई आर बाय 4। ठीक, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 4L डिवाइडेड बाय पाई। इस स्मॉल आर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल एम रूट 2 इंटू 4L डिवाइडेड बाय पाई, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो, डिवाइड करने पे टर्म्स कैंसिल होंगी और मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा, यही आंसर है। ठीक, मेथड समझ में आ रहा है कैसे मैंने केस बाय केस किया, पहले फर्स्ट केस किया, सेकंड केस किया, वो शॉर्टकट लगाया है, तो इसकी जगह ये लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे है तो एनसीईआरटी का, बहुत बार आया हुआ कॉम्पिटिशन में। अच्छा ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक,